यहाँ के वॉलनट्स जो कश्मीर की वॉलनट्स फेमस है ना वो यहाँ के सबसे ज़्यादा फेमस होते हैं। इनफैक्ट यहाँ का राजमा भी, और यहाँ का फ्लोरा फौना, यहाँ का लैंडस्केप, रास्ते का लैंडस्केप वॉज एपिक, आपने देख ही लिया होगा आगे। तो ये जगह बहुत ही प्यारी है। अभी हम लोग यहाँ के लोकल से मिल रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या परेशानियाँ हैं और क्या कैसे लोग जीते हैं, इनकी लाइफ कैसी है, यहाँ के लोग क्या करना चाहते हैं। जस्ट रैंडम इंटरेक्शन विद द लोकल, एज यू कैन सी देर आर सम पीपल बिहाइंड। तो अभी हम लोग जाते हैं, उनसे बातें करते हैं और देखते हैं कि यहाँ के लोगों के बारे में, मतलब यहाँ के लोगों को क्या कहना है अपने बारे में। ये जैसा कि अभी आपको कमांडर साहब ने बताया जी, यहाँ कल आप पीटवाल इलाके में जाओगे तो वहाँ की कहानी इस तरह है, बिल्कुल यानी पाकिस्तान में है। इधर आप खड़े हो जाओगे और नदी के इस साइड में तो टिटवाल होगा, नदी के उस साइड में टिटवाल होगा, तो वहाँ आप नदी का कुछ कोई आवाज़ नहीं हो, टिका हुआ पानी है, आप पाकिस्तान वाले से आसानी से बात कर सकते हैं। क्या हाल है आपका, कैसे हो, वो आपको जवाब देगा, जवाब क्लियर आवाज आएगा। ओ हाँ तो हम लोग जब से कश्मीर आए हैं मेन जगहों से ज़्यादा हमने काफ़ी ऑफबीट प्लेसेस एक्सप्लोर करे हैं, बहुत ज़्यादा। हाँ तो वुड यू लाइक टू से समथिंग? सो वी आर एट अ विलेज कॉल्ड टंगधार जो कि श्रीनगर से 4 घंटे दूर है। एंड मैं पहली बार कश्मीर आई हूँ तो मैंने तो पहली बार सुना है, बट यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको ये जगह के बारे में पता ही नहीं है। एंड इट हैज़ अ वेरी वेरी गुड हिस्ट्री विच ज़ोहा विल शो यू। एंड आई थिंक अपार्ट फ्रॉम सोनमर्ग, गुलमर्ग एंड ऑल दोस प्लेसेस, मेन प्लेसेस से ये सब रिमोट एरियाज को हम लोग को एक्सप्लोर करना चाहिए, ऑफबीट डेस्टिनेशंस फॉर मोर एडवेंचर। यस, इफ यू आर अ ट्रैवलर देन यू शुड डेफिनेटली कम टू टंगधार। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि इस जगह को टूरिस्ट स्पॉट बनाएं, बिकॉज ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है। जब आपको ज़ोहा बताएंगी हमारी कि यहाँ का व्यू कैसा है, आप लिटरली सोचोगे कि कहाँ पहुँच गई है मैडम, क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। सो आई वांट ऑल द टूरिस्ट जो प्लान कर रहे हैं कश्मीर, प्लीज़ यहाँ पर आइएगा, इस जगह को टूरिस्ट लोकेशन बनाने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि ये काफी अनएक्सप्लोर्ड है। और एक होता है ना अनएक्सप्लोर्ड, एकदम वर्जिन अनटच्ड ब्यूटी ही वैसा है। एंड प्लस दे नीड टूरिज्म टू सर्वाइव हियर, एस्पेशली इन कश्मीर टूरिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड काफी लोगों के घर का गुजारा सिर्फ टूरिज्म से होता है। हाँ, तो टिटवाल में लोकल्स के साथ कुछ टाइम गुजारने के बाद हम आगे गए बॉर्डर एरिया पे, जिसकी वीडियो तो मैं आपको नहीं दिखा सकती पर मज़ा काफ़ी आया। और बस यूं ही हमारा पहला दिन तो गुजर गया और दूसरे दिन हम गए सुपर 30 किड्स से मिलने जो कि काफ़ी ब्राइट फ्यूचर लेके आ रहे हैं। हाउ इज योर एक्सपीरियंस सो फार? इट्स बीन गुड, बट द वेदर इज क्वाइट टफ, राइट? या द वेदर इज क्वाइट डिफरेंट, इट्स वेरी कोल्ड। So is it your first time posting in Kashmir or? First time for us, for every one of us. Okay. For every one of us, okay. Would you like to share your experience, like how's it going for you so far? मतलब कैसे चल रहा है? How are you coping with the weather? Are you getting used to it? या फिर are you facing any difficulties or? First time, it was very cool, but now it's a little bit very adjusting. Okay. तो जैसे आपको मालूम है कि आर्मी में काफी कम women हैं, तो उस केस में आपको कभी कोई डिफिकल्टी आती है या वी डोंट हैव एनी डिफिकल्टीज? एनी डिफिकल्टी एंड एनी गुड पॉइंट दैट यू फील बीइंग अ वुमन इन आर्मी? ऑफ कोर्स वी फील प्राउड, स्पेशली आई एम फ्रॉम फ्रिस बेच। ओह रियली? या एंड वेयर आर यू एग्जैक्टली फ्रॉम? आई एम फ्रॉम नागालैंड। या ओह वाओ नाइस, माय फेवरेट स्टेट, वेयर इज देयर इन नागालैंड? I'm from Mon district, from Nagaland Mon district. Yeah. I went to Nagaland exactly last year. Yeah, this same time last year we both went together. And how about you, ma'am? Where are you from? Bihar. Okay. Was there something specific that made you come join the army? Like any specific reason, any incident, aisa kuch? Dressy, yes, I just got to join Kanpur. Acha, energy. Acha, to matlab aapko kisne guide kiya? Matlab yahan aane ke liye? सबके लिए प्राउड सॉरी सबके लिए प्राउड क्यों करवाई? हाँ जी, हाँ जी, नहीं मतलब लेकिन एक फर्स्ट स्टेप होता है ना, कभी हर किसी की जिंदगी में एक स्टेप होता है कि कोई एक्सपीरियंस होता है कि आपने ये चुना तो मतलब ऐसा क्या हुआ कि नहीं ऐसा कुछ आपके लिए भी? एक्चुअली मेरा फ्रेंड्स हम लोग एक साथ ट्राई किया था। अच्छा, बट आई एम द वन सेलेक्टेड। ओह वाओ, place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page,
but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down my fate, you won't understand it. All alone, that's okay. People, I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am. And I want something more, take a chance. It could be possibly my last day.